वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। तमाम पेरेंट्स आजकल काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहे होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स खुश भी हैं क्योंकि उनके बच्चे हेल्दी एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज किया हुआ होता है उन्होंने, लेकिन वहीं पर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि अब बच्चों की जब समर वेकेशन चल रही हैं तो किन हेल्दी एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज किया जाए। सो अमूमन पेरेंट्स को होता है कि अच्छा किसी सेंटर में डाल दिया, किसी एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन घर में क्या किरदार होता है पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या किन एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंगेज करें। सो आज हमने सोचा कि हम एक्सपर्ट को बुलाएं, खाना मानसर को बुलाएं और वो हमें बताएं कि किस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की ग्रूमिंग में किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे समर वेकेशंस के टाइम पे या फिर वो बच्चे जो अभी तक स्कूल नहीं जाते, बहुत छोटे हैं, उनकी प्री स्कूलिंग जो है वो घर में किस तरह से की जाए। तो आज हम इस सब पे बात करेंगे। आंसा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आंसा, ये जो आंसा खानम, ये जो बच्चों की हम बात कर रहे हैं, मगर बात ये है कि पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये कैसे ख्याल आया कि मैंने इस पे काम करना है, बच्चों के एजुकेशन पे, उनकी एक्टिविटीज़ पे काम करना है। कुछ थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ अट्रैक्टिव होती है कि आप बच्चों के स्पेशली चुनते हैं कि मैंने बच्चों के ऊपर जाके काम करना है। जी थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन है, इसमें जो मेरी जो इंटरेस्ट है ज़्यादा वो यही है कि कुछ नया नया सीखा जाए और सिखाया जाए, क्योंकि जितने भी पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि अपने छोटे बच्चों के ऊपर, वो उनकी एजुकेशन के हवाले से हो, उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से हो, उनके फूड के हवाले से हो, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर परेशान भी होते हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर उनको ईजीली इन चीज़ों के बारे में टीच भी किया जाए। सो मैंने जब ये देखा कि हमारी मदर्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि उनके बच्चे जो हैं वो अपने अंदर वो स्किल्स डिवेल्प नहीं कर पा रहे जो कि आज की 21st सेंचुरी की डिमांड है। सो इसको देखते हुए फिर मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया और इसकी सबसे पहली जो चीज़ मैंने इसके ऊपर की वो मैंने जो है हमारे 4 जो डोमेन्स होते हैं, जैसे हमारी करिकुलम को भी अगर डिज़ाइन किया जाए तो उसमें भी बताया जाता है कि प्री स्कूल में सबसे पहले लिसनिंग स्किल को डेवलप किया जा सकता है, उसके बाद स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है, उसके बाद रीडिंग स्किल डेवलप होती है और उसके बाद आके हमारे पास राइटिंग स्किल डेवलप होती है। तो जब ये चीज़ों को देखा तो उस लिसनिंग स्किल को डेवलप करना किस तरह से, क्योंकि एक अच्छा जो लिसनर होता है वही अच्छा स्पीकर बन सकता है। सो इसको भी कैसे डिवेल्प किया जा सकता है, पॉजिटिव वर्ड्स कौन से यूज़ किए जा सकते हैं ताकि बच्चा जब बोलना शुरू करे तो बहुत ही अच्छा बोले, ताकि वो बिल्कुल फजूल सा बोले और वो आपको परेशान करे, क्योंकि आपको परेशान वही चीज़ें करती है जो आपके कानों को भी अच्छी नहीं लगती और आपकी पर्सनैलिटी को भी अच्छी नहीं लगती। तो जब आपके बच्चे को आपने शुरू से ही ज़ीरो से ही वो चीज़ लेके चलेंगे, एक्टिविटीज़ इस तरह की डिज़ाइन करेंगे, घर का इन्वायरमेंट इस तरह का क्रिएट करेंगे कि बच्चा पॉजिटिविटी की तरफ आए। आंसर, अब हम थोड़ी बात करते हैं कि होम स्कूलिंग की हम बात करें, चाहे वो बच्चा अभी स्कूल नहीं जा रहा या फिर समर वेकेशन चल रही है, तो हर एज ग्रुप को मैं चाहती हूँ डिस्कस करें, ठीक है। तो सबसे पहले आजकल जो वेकेशंस हैं, बच्चे स्कूल से नहीं जा रहे, घर में ही मौजूद हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम भी राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे बता रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स का इसमें क्या रोल हो सकता है, पेरेंट्स किन किन स्किल्स पे काम कर सकते हैं, वो किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं इस दौरान? जो स्किल्स आप चाहते हैं ना कि बच्चे में डिवेल्प हो, वो आजकल सबसे पहले पेरेंट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो पेरेंटिंग हुई है, जैसे आपकी हुई या मेरी हुई, हमारे जब हुआ तो तब उस वक्त ये चीज़ें हमें इतनी ईजिली हमारी मदर्स को मैसर ही नहीं थी कि वो कुछ सीख सके। लेकिन अभी तो आपके पास, क्योंकि हर बंदे के पास मोबाइल है, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं, आप उसमें स्किल्स डिवेल्प कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए आपने जो आप चाहते हैं कि बच्चा सीखे वो पहले थोड़ा बहुत अपने पास करें, ठीक है, आप उसके ऊपर सीखें कि आपने अगर बच्चे के अंदर जो है उसकी जो है कोई भी स्किल डेवलप करनी है, लाइक आप बच्चे के अंदर लिसनिंग स्किल को डेवलप कर करना चाहते हैं, तो पहले घर में पहले आप घर में इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो आप पूरा एक लिसनिंग जो है आपका इन्वायरमेंट वो क्रिएट हो के आप एक अच्छे लिसनर हो। बच्चा पोतली जुबान में कुछ भी बोलता है, आप उसको सुने, आप जो सुना रहे हैं फिर बच्चे को स्टोरी टेलिंग करें,
जैसे अभी हमारी पहले बात हो रही थी कि आप बच्चों को कुछ भी बताते हैं तो आप उसको एक स्टोरी क्रिएट करके सुनाते हैं, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं, और जब आप उनको एक स्टोरी सुना रहे होते हैं तो वो उनके विजुअल्स में कहीं ना कहीं बन रहा होता है, सो वो जब वो उस चीज़ को देखते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो तजुर्बा है मैंने किया, मैंने तजुर्बा किया कि जो बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे थे, तो जब बचपन में उनको दिलचस्पी को देखते हुए तो मैंने एक करेक्टर तख्लीक किया और उसके साथ पूरी दुनिया की मैं सैर करता रहा। अब वो क्या होता है कि बच्चों के नॉलेज में भी इजाफा होता है, नॉलेज के इजाफा होने के साथ साथ जो आपने कहा ना विजुअल, तो वो बच्चों की क्रिएटिविटी बड़ी में बड़ा मुस्बत साबित होता है, क्रिएटिव होते हैं बच्चे और इनोवेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर तो बाकायदा डिग्रीज हैं, बाकायदा आपको इसके ऊपर एक्सपर्टीज दी जाती हैं। हम आम पेरेंट्स जो सोचते हैं, और ये हम इस चीज़ को मानते हैं, आप भी मानते हैं कि जिंदगी कॉमन सेंस है, मगर कुछ लोगों में कॉमन सेंस को डेवलप करना पड़ता है क्योंकि हर एक के सर्कमस्टांसेस तो सिमिलर नहीं होते हैं। तो फिर आप जब एक्सपर्टीज हासिल करते हैं तो आप इसका फ्रूट आपको कितना मिलता है, इस तरह इसके बारे में बताएं। और पेरेंट्स लिसनिंग एनवायरनमेंट का तो आपने बताया दिया, तो पेरेंट्स के साथ साथ आप क्या रोल इसमें अदा कर रहे हैं? हम लोग इसके लिए बाकायदा तौर पर कोर्स डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं कि बच्चे की अगर फोनिक्स को डेवलप करना है, क्योंकि आप अगर बच्चे की रीडिंग की तरफ आते हैं तो उसमें फोनिक्स साउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बच्चों को साउंड्स के जरिए या फोनिक्स के जरिए जो चीज़ें करवाते हैं उसके लिए बाकायदा तौर पर कोर्सेज हैं। उसमें पेरेंटिंग की हम लोग एडवांस पेरेंटिंग के ऊपर कोर्सेज हैं, पॉजिटिव पेरेंटिंग पे कोर्सेज हैं, आपने किस तरह से अपने बच्चे को सोशली और इमोशनली किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आज के दौर में बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को सोशल भी रखे लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे, क्योंकि ये फितरी अमल है ना, गुस्से का आना फितरी अमल है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते बल्कि आप इसको एक किसी और जगह पर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। आप उसके लिए एक बच्चे के लिए एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक बच्चे ग्रुप स्टडीज़ करवा सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक आप घर में अगर आपके दो चार बच्चे हैं तो आप उनका एक ग्रुप बना के टीम बिल्डिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आउटडोर आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जैसे आजकल समर का समर वेकेशंस चल रही हैं तो उसमें आप जो है वो एक पूरा होमवर्क करें पहले इसके ऊपर कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं, मदर्स भी अपना टाइम टेबल बनाएं और बच्चों का भी टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि जब छुट्टियां होती हैं तो मदर्स भी फील करती हैं कि अब तो हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, अब कुछ भी हो सकता है, हम लोग लेट उठेंगे लेट सोएंगे, जिससे बच्चा जब स्कूल जाता है उस वक्त बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो इसलिए पहले ही घर में किस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि एक टाइम टेबल सेट किया जाए जिसमें आप एक्सरसाइज का टाइम रखें, नमाज का टाइम रखें, अपनी एक्टिविटीज़ का टाइम रखें, बच्चों की एक्टिविटीज़ का टाइम रखें, जिसमें बच्चों को पहले तो जो आपका समर पैक मिला हुआ है स्कूल से उसके लिए कुछ टाइम रखें, उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो है वो एक समर पैक मिला है उसके अंदर उन्होंने आपको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए कहा है, तो सिर्फ वही फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती जो समर पैक में लिखी हुई हैं, बल्कि आप घर में कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली आप उसको नहीं डिज़ाइन करें, चीप प्राइजेस में आपके घर में जो चीज़ें पड़ी हैं उन्हीं चीज़ों से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं उन बच्चों के ऊपर जो कि बहुत छोटे होते हैं, अभी 4 साल 3 साल से कम के बच्चे होते हैं जो कि अभी स्कूल नहीं जा रहे होते, उनके लिए उनको किस तरह से सिखाया जा सकता है? क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है शायद उनको सिखाना बहुत मुश्किल होता है उस एज में, और वही एज होती है जिसमें आप उनकी हैबिट्स को डेवलप कर रहे होते हैं, आप उनकी पर्सनालिटी बिल्डअप कर रहे हैं, की बात क्या ठीक है किस हद तक सही है? बिल्कुल, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर कोर्सेज भी हैं हमारे, और यहाँ पर भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे आपका बच्चा जो है वो ज़ीरो से हम स्टार्ट करते हैं, बच्चा आपको रिकनाइज करना शुरू करता है, आपको देखना शुरू करता है, वो जो है वो टू वर्ड्स बोलना शुरू करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वो वॉवल का वर्ड बोलता है और एक कॉन्सनेंट का बोलता है, लाइक वो मामा, तो वो जो है वो वॉवल को भी बोल रहा है कॉन्सनेंट को भी बोल रहा है, तो जब वो दोनों को बोलना शुरू कर देता है मामा पापा, सो वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है। तो उसी दौरान आपने अपने जो मदर है उसने अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, सही, उसमें आपने पॉजिटिव वर्ड्स अपने ऐड करने। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को आप कह रहे नो डोंट, ठीक है, ये वर्ड्स अपनी जिंदगी से निकाल दें। अच्छा, क्रिएटिविटी को ये रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं, नो वर्ड्स। आप जितना बच्चे को ब्लॉक करेंगे उतना बच्चे का जो थिंकिंग पावर है वो लो होती जाएगी। सही सही, ठीक है। आप बच्चे को जो भी आप चाह रहे हैं, जैसे हम लोगों ने ये सामने पढ़ा है, तो ये अगर आप देखते हैं कि बच्चा बार बार इसी की तरफ जा रहा है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं।
इसकी जगह पे कुछ भी आप इसके ब्लॉक्स रख सकते हैं, आप ग्रॉस मोटर स्किल्स की कुछ एक्टिविटीज़ की कुछ चीज़ें रख सकते हैं, लाइक आप क्ले रख सकते हैं, बच्चा उसको पकड़ेगा, उसको अपने हाथों में लेगा तो उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होगी। ठीक है, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, आप जैसे आप अक्सर वीडियोज़ में देखने को मिलता है कि जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो आपने पूरे घर को डिज़ाइन कैसे करना है, इसके ऊपर भी बकायदा तौर पे क्लासेस होती हैं। ठीक है, कि आप जैसे नो कहने का वर्ड आप नो आपने निकाल देना है, उसकी जगह पे आपने अपने घर को डिजाइन इस तरह से कर लेना है कि बच्चा हर चीज में कुछ ना कुछ सीखे। लेकिन वहाँ पर भी कुछ पेरेंट्स के जो कंसर्न्स आते हैं वो यही आते हैं कि अगर आप बच्चों को मना नहीं करेंगे किसी चीज से तो उनको सही गलत का पता नहीं चल सकेगा, तो ये इसमें किस तरह से डिफरेंशिएट किस तरह से किया जा सकता है? सही गलत का जो है कॉन्सेप्ट वो इस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं कि हम बच्चे को जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके आते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, हम लोग कुछ वर्कशीट डिज़ाइन करते हैं कि उसमें जो है वो कुछ शेप्स होती हैं, नीचे उसके कुछ शेडोज होते हैं, उन शेडोज के साथ बच्चे ने उसको मिलाना है कि जो सेम शेडो का साथ आ रहा है, यानी हम क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए ही बच्चे को ये बता सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इस तरह से आप ये चीज़ें ये नहीं करो वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने उनके साथ रह के करनी है, जो आप कर रहे हो वो सही सही करें तो बच्चा उसको देख रहा होगा कि ये सही है। अगर आप उसके सामने हर टाइम मोबाइल लेकर बैठे हैं और बच्चे को कह रहे हैं कि ये नहीं पकड़ो, स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप खुद उसके सामने इतना स्क्रीन टाइम दे रहे हो और उसको आप मना कर रहे हो। अच्छा, जैसे तो यही होता है कि जब घर की बेल बजती है तो बाप बेटे से कहता है या बच्चे से कहता है कह दो मैं घर पे नहीं हूँ, तो शुरू तो आपने शुरू कर जी दिया। बिल्कुल। अच्छा, हम देखते थे हमारे बचपन में क्या होता था कि जो इलेक्ट्रिक के स्विच बोर्ड्स नीचे लगे होते थे तो उस पर पेरेंट्स हैं वो टेप लगा देते थे, फिर ये हुआ कि थोड़ा कहा कि क्योंकि ऑलरेडी अगर एक चीज़ लगी हुई है तो मुश्किल हो जाता था कि अब आपने फिर दीवार पर ऊँचा लगाना शुरू कर दिया। मगर हम जैसे अभी मैं देख रहा था बिल्किसन कुतुबुद्दीन में एक बड़े अच्छी तरीके से एजुकेट किया जाता है, जैसे वर्ड ज़ियाफ़त के बारे में बताया जा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि ज़ियाफ़त से बच्चे के जहन में एक दावत आती है, जो आप बात करते हैं ना ग्रुपिंग होती है, मेहमान आते हैं, तो ये भी एक स्किल्स है जो हमने बच्चे को सिखाने हैं। उसी तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं हमने देखा है वो टीवी के सामने बैठ जाते हैं और वहाँ से वो भी बहुत कुछ सीखते हैं, और हमने देखा है कि जैसे आपने लिसनिंग की बात की थी, जब आप सुनते हैं फिर आप कुछ कहते हैं, तो हमारे बचपन में पीटीवी पे एक ड्रामा लगता था अलिफ लैला, उसमें जो जुबान थी ये नहीं कि अब आप आइए मैं बता रहा हूँ, कल मैं घर में जिक्र कर रहा था, तो उसमें जब कोई किसी खातून को देखता था तो कहता था ए नेक दिल खातून, तो वो उससे आपके जहन में नेक दिल और किस तरह बात करनी है किस तरह बात कहनी है वो भी आप सीखते थे। तो आप इसी तरफ रेफर कर रही हैं ना कि जब आप घर में बात कर रहे हो तो वालदैन को शाउट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे पर शाउट नहीं करना चाहिए, फिर आपके जो एक्शंस होते हैं वो कहते हैं जो स्पीक्स लाउडर देन दी, आपके जो वर्ड्स होते हैं देन दी एक्शन। तो अभी जो बच्चे हैं, आपने 3 साल की तो बात कर दी है, आप जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं बड़े मिस्चीवियस होते हैं, बड़े शरीर होते हैं, बड़ी शरारतें करते हैं, तो उनको किस तरह की एक्टिविटीज़ में हम लगाएं कि उनकी जो शरारतें हैं वो भी इंजॉय करें, उनके अंदर जो हाइपर होते हैं बच्चे उनको भी हम थोड़ा कंट्रोल कर सकें। वो एक्चुअली हाइपर नहीं होते। अच्छा, वो काइनेस्थेटिक बच्चे होते हैं, ये वो अपने हाथ से कोई काम करना चाहते हैं, वो या तो अपनी ग्रॉस मोटर स्किल के ज़रिए वो उछलना कूदना पसंद करते हैं, अपने बड़े जो उनके पार्ट्स होते हैं उनके साथ वो चलना फिरना घूमना फिरना या कुछ भी अपने हाथ से काम करना वो पसंद करते हैं, तो उनके लिए एक्टिविटीज़ भी वैसे ही डिज़ाइन करें। अगर आपके बच्चा जो है वो जंपिंग करता है ज़्यादा, उछलता कूदता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसने कहीं ना कहीं निकालनी है, तो वो कभी किसी को मार के निकालेगा या फिर वो उछल कूद के निकालेगा, तो उसके लिए आपने उसके लिए डिज़ाइन करना है कुछ ना कुछ ऐसा। इसलिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बच्चा जो उछलना पसंद करता है तो आपने उसको फोनिक्स सिखाने हैं, आपने उसको जो है अल्फ़ाबेट्स सिखाने हैं, तो आप उसके लिए कुशंस बनाएं ए बी सी डी ऐसे, तो बच्चा उनके ऊपर जंप करता जाए और साथ में उनको साउंड भी करता जाए। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और बताते हैं कि आप जरा बच्चों को कलाबाजियां, तो मैं बड़ी मजे की कलाबाजियां लिया करता था और आज भी यकीन जाने आंसर खाना मेरे लिए टिक के बैठना बड़ा दुश्वार होता है। इनके अंदर भी एक बच्चा एक शरारती होना चाहिए, हर इंसान के अंदर छोटा सा बच्चा होना चाहिए। कभी हम बात करेंगे जो बड़े बच्चे होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं उनकी एनर्जी को किस तरह से हम प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आंसा, बड़ी अच्छी गपशप रही, अपने बचपन में भी हम लोग बहुत सी चीज़ें रिकॉल की, बाकी कमी के बाद बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारी कोशिश थी कि आपसे बहुत ज़्यादा हम सुने। सो थैंक यू सो मच, और यकीनन दोबारा जब बुलाएंगे तो हम जरा
ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ठीक है जी बहुत शुक्रिया जी हैरान कुन सेगमेंट आ जाएगा अमारा रूही हमारे लिए आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो नई इनोवेशन आई है वो क्या है वो हमें बताएंगे इस ब्रेक के बाद लेकर आ रही है हमारे लिए कहीं मजा आएगा जी देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।